Hello and welcome to Study Times. I'm Jyoti Dhawan and today I'll tell you the most important questions for the SSC CHSL exam. These questions are important for the other competitive exams also. So let's begin. Our first question is, which of the following is the exclusive power of Rajya Sabha? Basically कुछ powers जो होती हैं वो common होती है राज्यसभा एंड लोकसभा के पास, पर कुछ जो हैं वो exclusive powers होती हैं. So exclusive powers जो हैं राज्यसभा की वो दो होती हैं. पहला तो to recommend the creation of all India service, and second इसकी power होती है to authorize the parliament to make a law enumerated in the state list. Okay, our second option is to pass the money bill. राज्यसभा के पास जो है ये पावर नहीं हो होती है कि वो मनी बिल पास करे. उसके पास सिर्फ यह पावर होती है कि उस वह जो है रिकमेंडेशंस दे सकती है किसी भी फाइनेंशियल मैटर्स पर और मनी बिल पर. ओके, आर थर्ड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन इज़ टू इनिशिएट द प्रोसीडिंग्स फॉर रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट एंड टू इनिशिएट द बजिस्ट्री प्रोसीडिंग्स. ये जो है कॉमन पावर होती हैं लोकसभा एंड राज्यसभा की, जो कि दोनों ही एग्जीक्यूट कर सकती हैं. ओके, our next question is, Tehri Dam is located in which of the following state? जो Tehri Dam है वो उत्तराखंड में है, near Tehri, और ये जो है इंडिया का highest dam है जो कि भागीरथी river पे है. okay, इसके अलावा कुछ other dams भी हैं जो भी पूछे जा सकते हैं exam में, जैसे कि बिसालपुर dam जो कि राजस्थान में है, रिहंद dam जो कि यूपी में है, इंदिरा सागर dam जो कि मध्य प्रदेश में है, एंड तुंगाभद्रा डैम जो कि कर्नाटक में है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रॉम विच कंट्री इंडिया हैज़ बोरोड द आइडिया ऑफ प्रियम्बल. इसका आंसर है यूएस. यूएस से इंडिया ने जो है आइडिया ऑफ प्रियम्बल बोरो किया था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फाइव ईयर प्लान इज ऑल्सो नोन एज महाला नोबिस प्लान. सो बेसिकली जो फाइव ईयर प्लान्स थे वो 1951 से स्टार्ट हुए थे और अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ नेहरू जी. एंड जो फर्स्ट फाइव ईयर प्लान था वो 1951 से 56 के बीच में था और इसका मेन फोकस था एग्रीकल्चर. और जो सेकंड फाइव ईयर प्लान था उसका टाइम ड्यूरेशन था 1956 से 1961. ओके, और इसका मेन फोकस था हैवी इंडस्ट्रीज़ पर. सो बेसिकली क्या हुआ था कि सेकंड ईयर फाइव ईयर प्लान में जितनी भी अप्रोचेस थी, आइडियाज़ थे और पॉलिसीज़ वगैरह थी वो महाला नोबिस ने रिकमेंड किए थे. ओके, इसीलिए इस प्लान को जो है महाला नोबिस प्लान कहा जाता है. तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सेकंड फाइव ईयर प्लान. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द कमीशन विच हैज सबमिटेड इट रिपोर्ट ऑफ मुजफ्फरनगर रायट्स. इसका आंसर है सहाय कमीशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज़ द कूलेस्ट लेयर ऑफ एटमोसफेयर. जो कूलेस्ट लेयर है एटमोसफेयर की वो है मेसोस्फेयर. यहाँ पर मीटियोर्स भी होते हैं. और जो हॉटेस्ट लेयर है एटमोसफेयर की वो होती है थर्मोस्फेयर. एंड जो ट्रोपोस्फेयर है वो फर्स्ट लेयर होती है एटमोसफेयर की. और जो स्ट्रेटोस्फेयर होती है वो बहुत ही स्टेबल लेयर होती है. और यहाँ पर जेट एयरक्राफ्ट जो है वो फ्लाई करते हैं. ओके, और एक और होती है लेयर जो उसका नाम होता है एग्जोस्फेयर, जो कि सबसे अपर लिमिट होती है एटमॉस्फेयर की. ओके, और इस में क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर होता है वो स्पेस के साथ मर्ज हो जाता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ. इसका आंसर होगा हिल्टन यंग कमीशन. हिल्टन यंग कमीशन को जो है रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस भी कहा जाता है. और जो आरबीआई था वो आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर जो है वो एस्टैब्लिश हुआ था. और आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर जो थे मिस्टर सीडी देशमुख जी थे. ओके, और इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है एक्वर्ड्स कमेटी, ये जो है बेसिकली एक्वर्ड्स कमेटी ने रिकमेंडेशंस दी थी इंडियन रेलवे को नेशनलाइज करने के लिए. ओके, और जो है इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि जो रेलवे बजट है उसको सेपरेट किया जाए फ्रॉम दी जनरल बजट. ओके, थर्ड ऑप्शन इज नरसिम्हा कमेटी. नरसिम्हा कमेटी जो है उन्होंने रिकमेंडेशन सी ऑन द फाइनेंशियल सिस्टम. ओके, एंड फोर्थ ऑप्शन इज माउंटबेटन कमीशन. माउंटबेटन कमीशन ने जो है रिकमेंडेशन दी थी टू डिवाइड इंडिया इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान. ठीक
ठीक है, उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी रेड क्लिफ लाइन की, कि जो है इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड किया जाए थ्रू रेड क्लिफ लाइन। ओके, और ये जो रेड क्लिफ लाइन थी वो पब्लिश हुई थी 17 अगस्त 1947 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो आसाम में लोकेटेड है, और इसके अलावा कुछ और भी इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं जो भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है और ये इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क है। ओके, नेक्स्ट है सुंदरबन नेशनल पार्क जो कि वेस्ट बंगाल में है, रणथंबोर नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है, पेरियार नेशनल पार्क जो कि केरला में है, कान्हा नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है, और गिर नेशनल पार्क जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन रेवोल्यूशन वो स्टार्टेड फ्रॉम, जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो पंजाब से स्टार्ट हुआ था, और मेनली तीन इन सभी जगहों पर जो भी ऑप्शन में गिवन है इन सभी जगहों पर हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन, पर स्टार्ट जो है वो पंजाब से हुआ था। सो जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो मिस एम एस स्वामीनाथन के चेयरमैनशिप में हुआ था। ओके, सो इन्हों को जो है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, मिस्टर एम एस स्वामीनाथन को। ओके, और ये जो है ग्रीन रेवोल्यूशन वो अर्ली 1960s में स्टार्ट हुआ था, और उसका मेन जो मोटिव था वो वीट और राइस पर था। ओके, एंड बेसिकली जो पुअर एग्रीकल्चर था उसको ओवरकम करना इसकी। ओके, ड्रेन थियोरी वॉज प्रपोज बाय, जो ड्रेन थियोरी थी वो दादा भाई नरोजी ने जो है प्रपोज की थी, एंड जो दादा भाई नरोजी थे उनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते थे, और इन्होंने कुछ बुक्स भी लिखी थी लाइक ऑन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ओके, और इनकी बुक्स से ही जो है अटेंशन मिली थी टू ड्रेनिंग ऑफ इंडियाज़ वेल्थ इन टू ब्रिटेनिंग। ओके, सो दिस वॉज इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। ओके।